हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेट नाइट रीडिंग। देखते हैं आज के आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपको लेके क्या है, क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। तो चलिए जान लेते हैं उनके सीक्रेट फीलिंग आपके लिए। ओके व्यूवर्स, तो चलिए सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं और उनकी फीलिंग्स को आपके लिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में प्लीज़ हमें गाइड करिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। इनके पर्सन जिनके बारे में भी रीडिंग देखने आए हैं, इनके पर्सन के मन में आज रात इनको लेके क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है मैजिशियन, वी हैव वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके ओके, चलिए देखते हैं आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। ओके सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ वैंड्स, वी हैव फूल, किंग ऑफ कप्स, वी हैव द हैंगमैन। ओके हर्मिट, टू ऑफ वैंड्स। ओके ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए आज की रीडिंग इस समय के जो निकल के आई है काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके सबसे पहले व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं और मे बी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। व्यूअर्स देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ हद तक, कुछ परसेंट में लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा भी नहीं है, जस्ट एक इमेज ही इमेज है आपकी। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा मैसेज मिला है, मे बी फेस टू फेस नहीं देखा है, जस्ट एक कहते ना अंदाज़ा लगाया हुआ है कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे होंगे, एक इमेज सी क्रिएट है आपकी। और लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादातर लोगों का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे दूर हैं, कहीं दूर हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मे बी ट्रैवल करके या फिर किसी तरह की दूरियां मिटाने के बारे में मुझे यहाँ पे थिंकिंग नज़र आती है। क्योंकि देखो हम उनकी करंट एनर्जी पकड़ रहे हैं रादर देन कि आपके साथ में यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। पास्ट तो आपको पता है, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं। अब इनके लिए इस रिश्ते में आना या फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना एक बहुत ही मेजर चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है। मे बी कई बार ये एफ़र्ट्स आपकी तरफ लगा चुके हैं या फिर अपनी अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने मतलब या तो पूरे एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसी बाउंडेशन लगी हुई हैं, कितना किसी को बांध देना या रोक लेना किसी वजह से, वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी एनर्जी में ट्रैप है, है ना। वो आना तो चाहते हैं आपके पास में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आना एक बहुत ही जैसे मुश्किल टास्क है। आई डोंट नो वाई, पर ये ऐसा ही फील कर रहे हैं। मे बी आपकी अगर अपने पर्सन से बात हुई है कभी, मतलब हाल फिलहाल में अगर बात हुई है, तो आपके पर्सन ने मे बी आपको ये बोला होगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है अभी कुछ कर पाना, या फिर मैं अपने आप में इतना श्योर नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें आपके लिए कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। एक फियर है यहाँ पर, डर नज़र आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता एक्सेप्ट करना और उसको एक नाम देना, ये यहाँ पे थोड़ा कितना बड़ा भारी सा नज़र आ रहा है।
और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है विद किंग ऑफ कप्स, तो इसके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है इस पर्सन के दिल में, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसकी इच्छा तो यही है कि वो आपकी तरफ रीच आउट करे, यानी आपसे मिले। और पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पे एक यूनिटी वाली एनर्जी मिल रही है बहुत ज़्यादा। देखूँ तो मैं जैसे कि या तो आप लोगों में एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, या फिर आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो, और ये पर्सन वो जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि आप बने ही, मतलब आपके जैसा कोई और उनको मिल नहीं सकता या कोई और हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और उन प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है व्यूवर्स अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं पूरा कर पाने में या फिर आपकी तरफ आ पाने में, क्योंकि इच्छा तो उनकी यही है कि वो आपकी तरफ रीच आउट करें, आपकी तरफ आए, लेकिन अभी थोड़ा इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है व्यूवर्स। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी इनको इनको अभी इनको सिर्फ इतना पता है कि इनको आपसे जुड़ना है या फिर आपको देखना है या फिर आपसे मिलना है, कुछ कहना है, ठीक है, लेकिन कैसे क्या प्लान होगा प्लान डिसाइड नहीं है यहाँ पे। प्लान ऑफ एक्शन होता है ना, कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये स्टेप लेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी मुझे थोड़ी सी वो है कि प्लानिंग नहीं है इनके पास, इनके पास कोई प्लान नहीं है, जस्ट एक होप लेके आपके पर्सन चल रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक होप लेके हैं, फूल एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो होप है उनको कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उनको सक्सेस मिलेगी, पर कैसे मिलेगी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। ये ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड क्लेरिफाई करना चाहूँगी, ओके, सो मैं यहाँ पे हर्मिट और हैंगमैन की एनर्जी को पहले क्लेरिफाई करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फिर से वर्ल्ड आया, आप लोग शादीशुदा हो या फिर यहाँ पे ट्विन मैरिज की एनर्जी है, आप लोग शादीशुदा हो सकते हो कुछ लोग, या फिर एक कार्मिक कनेक्शन लेके चल रहे हो, उनको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने बोला ना ट्विन मैरिज की एनर्जी कुछ लोग लिए हो सकती है, ठीक है, जैसे कि एक ऑलरेडी शादीशुदा है फिर भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आई डोंट नो वाई, पर इस तरह की एनर्जी है, उनको नहीं पता कि कैसे वो आप तक पहुंचेंगे, क्या होगा, बस एक उनके सिर्फ दिल और दिमाग में आप वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और व्यूवर्स इनको इनको नहीं पता इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन ये जो पर्सन है व्यूवर्स इनके दिल में सिर्फ एक उम्मीद है ज़रूर कि वो आप तक रीच आउट करेंगे, यानी आपसे मिलेंगे या फिर आपके साथ में रिश्ते उनके टूटेंगे नहीं। इसीलिए देख रही हूँ मैं मैजिशियन यहाँ पे, मुझे फियर में नज़र आया, यानी जो पर्सन है आपका उसको एक तरह से वो कोशिशें पूरी कर रहा है अपनी तरफ से, जैसे भी वो कर सकता है, जितना उसका दिमाग काम कर रहा है या कर रही है, जैसे भी है वो उसका माइंडसेट, कि वो इस रिश्ते को बचाने में लगे हुए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। आज की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, वो आपको यही संदेश कहीं ना कहीं देना चाहते हैं कि अभी उनका उनका जैसे कि समय बहुत क्रिटिकल चल रहा है, इसे वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो आपके प्यार को लेट गो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स किंग ऑफ कप्स की यहाँ पे क्या मन में है उनके, प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ कप्स, देखो नाइन ऑफ कप्स, इस पर्सन के व्यूअर्स आपको लेके, देखो यहाँ पे क्लोज एंड हो गया मेरे पास, देखो यहाँ पे ये दोनों तरफ से ऐसा हुआ ना, क्लोज एंड हुआ, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो इनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर पाने में आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि यार उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ लॉस हो चुका है, यानी आप उनकी लाइफ में नहीं हो फिलहाल, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं कि आपके पर्सन आपको आप तक नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जो ख्वाहिशें आपके साथ में वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो आपको खो देंगे, आप उनको उनको पता है क्या फील हो रहा है कि आपको वो खो देंगे, और उनकी हर खुशी हर इच्छा उनकी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो उनका अपने मन की बात आप तक मे बी जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है वो आप तक पता नहीं पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे, मे बी आप उन चीज़ों को फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं आप तक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है और वो आपसे दूर रह के उनकी हर एक खुशी टूट रही है,
ठीक है, बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे वही एनर्जी देखो, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से वही एक एनर्जी को क्रिएट करती है, यानी अपनी आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी हर एक इच्छा से, अपनी हर एक खुशी से दूर हैं इस समय। आप उनसे दूर हो, जैसे मैंने पहले बोला था, दूर हो आप उनसे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। ऑलरेडी काफ़ी कुछ लॉस में है आपके पर्सन, एक रिग्रेट भी है यहाँ पर, लॉस भी है। और फिलहाल मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो हैं, जैसे कि फ़िलहाल कुछ कुछ जो बचा कुचा है उसको बचाने की कोशिश करें, मे बी जो भी इनके पास है, क्योंकि ये अपनी हर एक खुशी को ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी हर एक खुशी से दूर हो चुके हैं आपके पर्सन। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे एक तरह के परेशानियों में घिरे हुए पर्सन को दिखाता है कि वो पर्सन इतना कहीं ना कहीं परेशानियों में घिर गया है जो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, या फिर आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे। मे बी आपकी तरफ आना उनके लिए, जैसे कि कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया, वो अपने आप को इनकैपेबल सा फील कर रहे हैं। यही कहूँगी व्यूवर्स, आपके पर्सन का, जैसे कि मैंने बोला, ट्विन मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आएगी, या फिर आपके लिए मैरिज की ही एनर्जी है, ट्विन मैरिज या मैरिज, आई डोंट नो, पता नहीं इस तरह के मैसेज क्यों आए, क्योंकि आज की एनर्जी गाइस बहुत स्ट्रांगली, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि आपकी तरफ आना इनके लिए एक ऐसा हो गया है जैसे कि कोई जंग को जीतना, ठीक है, मतलब कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, इनको वो समझ में आ रहा है। और इतना इतना आसान नहीं होगा ये सब चीज़ें करना, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्सन को देखो, वही है हर्मिट की एनर्जी और स्टार की एनर्जी, बार बार यहाँ पे ये की चीज़ दिखाती है कि आपके लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में फिर भी कोशिशें अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपकी तरफ अपना आपकी तरफ आना, या फिर आपकी तरफ रीच आउट करना, आपको अपने अपने ऐसे जोड़े रखने वाली एनर्जी है, ठीक है, ताकि वो अपनी अपनी इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को आप तक बताएं, ठीक है। और आप उनको उन पे बिलीव भी करो कि हाँ, ये जो पर्सन है ये धोखेबाज नहीं है, या फिर ये कहीं ना कहीं मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, ये ओपन होके दिखा रहे हैं। मैं ऐसे ही कहूँगी कि ये यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आप इनको मतलब ऐसा मत समझो कि इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया या फिर आपको धोखा दिया, बस ये दिखाने की कोशिश करें कि मैंने यार तुम्हें धोखा नहीं दिया, पर मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं तुम्हारे पास में आ नहीं पाया, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो ताकत नहीं थी, मैं नहीं दिखा पाया, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, ये नहीं ले पाई, यही कहूँगी व्यूवर्स। थोड़ा सा यहाँ पे एक मायूसी भरा माहौल मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपके पर्सन का आज रात का, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं व्यूवर्स, आप उनके पास में हो नहीं, और इसी वजह से ये अपनी ज़िंदगी को ना कोई भी खुशी को ये जी नहीं पा रहे हैं। हर्मिट यहाँ पे और फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे एक तरह से अकेलेपन में इंसान को डूब जाना दिखाता है, सिर्फ उसे अकेलापन पसंद आ रहा है, किसी के साथ ना तो वो जुड़ना चाह रहे हैं, ना ही किसी के साथ में अपनी बातें शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि उनको कोई नहीं समझ सकता, उनकी फीलिंग्स को वो किसको बताएं, क्या कहें, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको किसी ना किसी की, जैसे कि या तो मोटिवेशन की ज़रूरत है या इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि मोटिवेशन चाहिए होता है कि अगर नहीं तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तो एक जोश सा आ जाता है कुछ लोगों के अंदर, होती है ये क्वालिटी, तो एक वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, लेकिन इनके पास में कोई ऐसा नहीं है जिससे अपनी सीक्रेट बातें शेयर करें, क्योंकि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव रिश्ता यहाँ पे नज़र आता है मुझे। ओके, तो चलो कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आज रात के क्या चैनल मैसेजेस हैं। आज थोड़ा सा मूड सीरियस हो गया आपके पर्सन का, थोड़ा वो देख के, नो डाउट ऐसा हो भी जाता है, इंसान जब इतना जब डिप्रेशन में हो तो, और वो जिससे प्यार करे उस तक ना पहुंच पाए, तो ये हालत होती है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं उनके ट्रू मैसेज आपके लिए। आई मिस यू, ओ माई गॉड, सीरियसली व्यूअर्स देखिए यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर आपको, ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि आपसे ये मिलना चाहते हैं, ट्रैवल भी करके आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं जैसे कि कहते हैं ना, कोई इंसान फंस गया है वहाँ से उसको निकलना है, तो ये एक तरह का ट्रैवल भी, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, कहीं फंसे हुए हैं आपके पर्सन व्यूअर्स, जो इतना कुछ नहीं, तो आजकल के ज़माने में यार 5G का वर्ल्ड है, 5G सब चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ हो रही है, मतलब इजीली कोई भी किसी से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन इंसान इतना परेशान है या फिर इतनी बड़ी मुसीबत में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है कि वो आपको सिर्फ मिस कर रहा है, मतलब एक मायूसी भरे माहौल में, लेकिन आप तक अपना मैसेज तक नहीं पहुँचा पा रहा,
इतनी इसको लिबर्टी नहीं है या फिर उसके पास में इतनी हिम्मत नहीं है, लिबर्टी की भी कहूँगी कि लिबर्टी नहीं है किसी तरह से, एक डर में है आपके पर्सन, जैसे डर रहे हैं किसी के होने से, एक डर है। दो दो बार स्ट्रेंथ आया है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, एक डर मैं कहूँगी व्यूअर्स यहाँ पे। गेट क्लोज, पास आ जाओ। ओके, देखो वही आ गया स्ट्रेंथ, फिर से आ गया। आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू फेस यू, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं व्यूअर्स, एक स्ट्रेंथ की यहाँ पे लैकिंग बहुत स्ट्रांग है। देखो वही मैसेजेस आ रहे हैं जो हमने वहाँ पे देखे। आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, आपके पर्सन आपके साथ में होना, ठीक है, आपके साथ में जुड़ना, आपका हो जाना, ये ड्रीम देख रहे हैं। उनका यही सपना है कि वो आपसे जुड़े रहें, आपको अपना बना लें या फिर आप उनके हो जाओ, जैसे भी हो, पर आप लोग कभी सेपरेट ना हो, यही मैसेज यहाँ पे मैं कहूँगी। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू, आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको खुशी मिलती है। तो इसका मतलब व्यूअर साफ है, आपके पर्सन जहाँ भी हैं, एक तो देखो नेगेटिव बहुत है तो, और आपको भी मिस कर रहे हैं, यानी उनको वहाँ पे कोई खुशी नहीं मिल रही है, किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है उनके पास में, उनकी हैप्पीनेस तो उनसे दूर बैठा या बैठी है, यानी आप उनसे दूर हो। तो जो इंसान उनसे दूर है, जिससे वो अपनी अपनी ज़िंदगी जिसके साथ में जीना चाहता है या चाहती है, जिसे वो प्यार करता है या करती है, और उसके साथ में उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, उस पर मतलब उसको रोक दिया जाए, या फिर वो खुद ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाए कि आपके पास आ ही ना सके, तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। जैसे आपकी हालत है सेम आपके पर्सन की है। एक गाना व्यूअर्स यहाँ पे याद आता है, वो सुना होगा आपने, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। तो वही सिचुएशन व्यूअर्स आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, और ये यहाँ पर वो बात निकल के आती है। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूअर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, देखिए सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज भी होती है, आज हालात अगर ये हैं तो कल हालात कुछ बेहतर भी होंगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखते हुए व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।